फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद इंडिया में जो है वीवो Y95 मोबाइल लॉन्च होगा। तो इस मोबाइल में आपको 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको 4030 एमएच का बिग बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि वीवो का पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको 4000 एमएच का बैटरी देखने को मिलेगा इस मोबाइल में। इस मोबाइल में आपको 20 MP A1 सेल्फी भी देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में कंपेयर करेंगे वीवो V9 Pro और वीवो Y95 मोबाइल के बीच में। ये दोनों मोबाइल के बीच एक साइज कंपेयर करके देखेंगे आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट होगा, कि आपको वीवो V9 Pro मोबाइल लेना चाहिए कि आपको वीवो Y95 मोबाइल के लिए वेट करना चाहिए। तो दोनों मोबाइल के बीच बहुत ही डाउट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते हो फ्रेंड्स, आपको जो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले की। तो आपको वीवो Y95 में आपको 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस नोज डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको 720x1520 का डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको वीवो V9 Pro में आपको 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस नोज डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इस मोबाइल में आपको 1080x2340 का डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको वीवो V9 Pro में आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा वीवो Y95 के मुकाबले। बात करते हैं दोनों मोबाइल के प्रोसेसर की। तो आपको वीवो Y95 में आपको स्नैपड्रैगन का 439 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर 1.9 GHz में क्लॉक्ड है। और बात करते हैं वीवो V9 Pro की, तो आपको इस मोबाइल में आपको स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर 1.9 GHz में क्लॉक्ड है। प्रोसेसर के मुकाबले आपको वीवो V9 Pro बहुत ही आगे देखने को मिलेगा। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको दोनों मोबाइल में आपको एंड्रॉइड स्टूडियो 8.1 देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल की कैमरा की, तो आपको वीवो Y95 में आपको रियर में आपको 13+2 MP कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको 20 MP A1 सेल्फी देखने को मिलेगा। तो आपको वीवो V9 Pro में आपको रियर में आपको 13+2 MP कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको 16 MP कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो आपको वीवो Y95 में आपको बहुत ही बेहतर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल की बैटरी की, तो आपको वीवो Y95 में आपको 4030 mAh का आपको बिग बैटरी देखने को मिलेगा, और आपको वीवो V9 Pro में आपको 3260 mAh का आपको बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि बैटरी के मुकाबले वीवो Y95 बहुत ही आगे है। बात कर लेते हैं स्टोरेज और रैम की, तो आपको वीवो Y95 में आपको 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक। बात करते हैं वीवो V9 Pro की, तो आपको आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा 4GB एंड 6GB। आपको 4GB 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक। बात कर लेते हैं मोबाइल की फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आपको वीवो Y95 में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा अभी फेस अनलॉक के साथ, और वीवो V9 Pro में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि फेस अनलॉक नहीं देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सिम कार्ड की, तो आपको दोनों मोबाइल में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड नहीं देखने को मिलेगा, आपको डुअल सिम देखने को मिलेगा दोनों मोबाइल में भी। बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस की, तो आपको वीवो V9 Pro का मार्केट प्राइस तो आपको पता ही है 16000 का नाम देखने को मिलेगा, और वीवो Y95 के प्राइस की बात करते अभी प्राइस डेट अभी प्राइस तो निकल के नहीं है, मेरे हिसाब से 14 से 15 हज़ार के अंडर में ये प्राइस रहेगा, तो बहुत ही अच्छा धमाल करेगा ये मोबाइल। तो फ्रेंड्स, ये था दोनों मोबाइल के बीच कंपेयर वीडियो। आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीवो Y95 का आपको अनबॉक्सिंग देखना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।